नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त हम दुर्ग के रेलवे स्टेशन में हैं। इस वक्त जो है पावर वेट लिफ्टिंग का जो विजेता है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के नाम को पूरे दूसरे राज्य में जिन्होंने अपने नाम का पंचम फहराया है, उन लोग यहां पर आ गए। मेरे साथ आप देख सकते हैं यहां पर जो है वो जो विजेता है आ चुके हैं। दुर्ग के जो महापौर है उनको वेलकम करने के लिए आए हैं। आइए जानते हैं किनके लिए आए हैं आप लोग यहाँ पर। ये बहुत ही खुशी की बात है कि राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग जो सिकंदराबाद में आयोजित की गई थी, हमारे दुर्ग के बच्चे भी उसमें गोल्ड मेडल लेके आए हैं। मैं उन होनहार बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे दुर्ग शहर के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। इसके पूर्व में हमारे उद्धव शर्मा जी ने भी अभी 10 देशों का जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीत के आया। तो दुर्ग लगातार खेल गतिविधियों में आगे बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं हमारे प्यारे बच्चों को। इसमें दुर्ग निगम की क्या भूमिका है, जैसे इन बच्चे अभी जो चयनित होके आ रहे हैं इनके लिए पूर्व योजना कोई चीज है खिलाड़ियों का? अभी लगातार दुर्ग में खेलकूद की बढ़ोतरी के लिए नई नई योजनाएं बनाई जा रही है। हॉकी का एस्ट्रोटर्फ खुलने वाला है, उसके साथ साथ वहाँ पे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। और जितने भी यहाँ पे ग्राउंड्स हैं उसकी लगातार साफ सफाई और बच्चों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएगी। जी, आप भी आए हैं? मैं तो इन लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग शान हैं और छत्तीसगढ़ की शान बढ़ा रहे हैं। और हमारे नगर निगम की तरफ से महापौर जी की बहुत सारी सुविधाएं इन लोगों को उपलब्ध कराने की इन्होंने बात करी है और होंगी, क्योंकि हमारा शासन काल चल रहा है और हम चाहते हैं हमारे शासन काल में इनको अच्छा बेनिफिट। जी जी जी, अभी लगते हैं यहाँ पर जो माहौल निर्मित हो रहे हैं अभी आप देख सकते हैं। दुर्ग के महापौर द्वारा जो है जो विजेता है उनको फूल माला पहना के उनका स्वागत किया जा रहा है। इन्होंने छत्तीसगढ़ के जो नाम मान सम्मान है उसको दूसरे राज्य में ले जाके छत्तीसगढ़ के मान बढ़ाए हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिले से यहाँ पर जो विजेता लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर पूरा निगम की टीम है, महापौर विशेष करके आए हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर जो है इस आप देख सकते हैं यहाँ पर का जो माहौल है आप देख सकते हैं। एक विजेता के हाथ में फूलों के माला से सम्मानित किया जा रहा है। टीम की तरफ से जो है दुर्ग महापौर के सम्मान किया जा रहा है। जिस तरह से महापौर ने उनको सम्मान दिया है, सारे वेट लिफ्टिंग पावर की तरफ से जो है महापौर को सम्मान किया गया है हार माला पहना के। आइए यहाँ के जो विजेता है उनसे जानते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने ये अपना गेम को खेल के आए। सीनियर लग रहे हैं सर, कैसे रहा आप लोगों का सफर? बहुत सुंदर सफर रहा। ये मेरा 34वां नेशनल है जी। कितना? 34वां नेशनल। 34वां नेशनल। और इस साल मैंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं पावर लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में 1 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया में ले। सर आपका उम्र क्या है? 60 साल। 60 साल में मतलब 60 साल में 34 गोल्ड मेडल जीतना मतलब फिटनेस के बारे में वाकई में, इसीलिए शायद फिटनेस शब्द का नाम दिया गया। आप लोग कब से वहाँ रवानगी लिए थे? हम लोग निकले थे 25 तारीख को निकले हैं और आज लौट रहे हैं। और वहाँ सुविधा कैसी थी? वहाँ पर बहुत सुंदर सुविधा थी, बहुत बढ़िया। खिलाड़ियों के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए बहुत सम्मानजनक सुविधा थी। और सबसे बड़ा सम्मान है महापौर जी हमारे साथ हमको लेने आए, हमारे भाव विभोर हो गए। लगभग वहाँ कितने पार्टिसिपेट वहाँ पर प्रतिभागी लोग रहे हैं? 250 के लगभग पार्टिसिपेट। 250 में कितने लोगों ने बाजी मार ली? यहाँ छत्तीसगढ़ से सारे लोगों ने मेडल जीते हैं। मैंने आपने छत्तीसगढ़ के पंचम लहरा के आए हैं जी। कहाँ पर हुआ था ये खेल? ये सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद में लगभग 250 खिलाड़ियों के बीच में। जी जी। और सभी खिलाड़ियों ने। सर आप कहाँ से? मैं दुर्ग से। दुर्ग से, मतलब आपने हमारे दुर्ग का पंचम लहरा के आए। जी, अपना नाम बताएंगे? नाहिद अख्तर, राजन सर आपको इस वक्त कैसे लग रहा है लोग आपको लेने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सर अरेंजमेंट राज भाई राजशेखर राव की तरफ से हुआ है। अब हमारे को बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच दुर्ग के महापौर जी हैं, उनके लिए बहुत सम्मान की बात है हमारे लिए ये जो हमारे को वेलकम करने आए हैं। अभी आप लोग मतलब इसमें कोई तकलीफ आई आप लोगों को? कोई तकलीफ नहीं आई, हम लोग बहुत अच्छे से गए, वापसी भी बहुत अच्छे से हुई हम लोग की और वहाँ भी रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पर। अगर कोई वेट लिफ्टिंग के दुनिया में अगर आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्या हो सकता है? वेट लिफ्टिंग दुनिया में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी चीज है वेट लिफ्टिंग, वो आगे करना चाहे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं उनके लिए। इसमें लड़कियों की क्या भूमिका होती है? लड़की की भूमिका बहुत अच्छी, वहाँ पर उनको भी मतलब
बहुत सम्मान मिलता है और उनको आगे लाने के लिए प्रोत्साहन करते हैं लड़कियों को। मतलब गर्ल्स बॉयज सभी है? जी 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 बिल्कुल। अभी आप लोग कितने लोग आए हैं? अभी हम लोग 14 लोग हैं, जिसमें से 10 पार्टिसिपेट किए थे, मैं 10 का मेडल लगाया। 10 के 10 ने मतलब प्रतिभागी बने और 10 के 10 ने विजेता बन गए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी आपका परिचय? जी मेरा नाम ललित कुमार साहू है, मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ वेट लिफ्टिंग का, पावर लिफ्टिंग का राष्ट्रीय खिलाड़ी। रहना कहाँ होता है सर? रायपुर छत्तीसगढ़। सर अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे महापौर जी हमारे स्वागत के लिए आए हैं, और मैं सभी आदरणीय को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे कोच मैनेजर तेजा सिंह साहू, हमारे सेक्रेटरी पी रत्नागर सर, वीर राव शेखर राव सर, और हमारे जितने भी सहभागी सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे लोग यहाँ पार्टिसिपेट करने गए थे तेलंगाना, वहाँ सभी ने 3-4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल टोटल लेकर हमारे छत्तीसगढ़ सेकंड रनर आपका खिताब जीता है। जी, आपका कौन सा मेडल था सर? मेरा सिल्वर मेडल है मैडम। कितने बार जीते आपने? टोटल मेरा तो है, टोटल 22 नेशनल है, जिसमें 6 नेशनल मेडल है मेरा। जी अरे आप काफी खुश हैं। जी जी बहुत। आप क्या करते हो वर्तमान में? क्या वर्तमान में मैडम मैं फिटनेस के दुनिया में वो अपना जो जिम चलाता हूँ कर्मा फिटनेस, कबरी फिटनेस सेंटर अपना जिम है, खुद का बुझा हुआ है। जी 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 सर अपना परिचय? मैं अशोक साहू, यहाँ हमारे संघ के पदाधिकारी लोग आए, हमारे महापौर जी आए स्वागत के लिए, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी खिलाड़ियों का। आप कहाँ से हैं? मैं रायपुर से, मैं लगातार 24 साल से इस खेल से जुड़ा हूँ और कम से कम 10-12 नेशनल है मेरा, कांस्य पदक लगा, और हमारे टीम के सबसे वरिष्ठ हमारे कोच उमेश पांडे जी, संतोष यादव जी और राजकुमार खाती जी, बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, और वहाँ आयोजन में बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, प्लेटफॉर्म अच्छा रहा, खाने पीने का अच्छा रहा, रहने का अच्छा रहा, और हमारे संघ के राजशेखर राव भी आए, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था वहाँ। और देख सकते हैं अमित बंछोर जी है, मुख्य भूमिका मुख्य धारा पर है वेट लिफ्टिंग की दुनिया में। जी भैया बताएंगे अभी लगभग कितने लोग गए थे और कितने लोग विजेता बन के आए? अभी यहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ से टीम बना के गए थे वेट लिफ्टिंग मास्टर के लिए, 8 लोग गए थे और 8 में 6 लोग गोल्ड मेडल लिए हैं और 2 लोग सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं इन्होंने, पिछले साल से इस साल अच्छा रिकॉर्ड बनाकर आए, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किए हैं, इसी में हम लोग का दिल बहुत ज्यादा बोलना चाहिए, उमंग रोक नहीं पाए। इस रेलवे स्टेशन में खड़े हैं, रेलवे स्टेशन में खड़े होकर उनके स्वागत के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे थे, और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ काफी मेडल आई इस वक्त। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्या लड़की लड़के दोनों यहाँ पर समान रूप से अपना करियर बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं जी, उनके लिए उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लगन है तो गर्ल्स एंड बॉयज इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों बराबर का टक्कर है इसमें। इसमें करियर किस तरह से बना सकते हैं? करियर ऐसा है कि आप अच्छे ढंग से मेहनत करते हैं और मेहनत करके आप खेलते हैं और मेडल लेते हैं तो शासन से प्रशासन से बहुत सहयोग मिलता है, स्पोर्ट्स का बहुत है और खास करके वेट लिफ्टिंग का मान्यता ज्यादा है, तो वेट लिफ्टिंग पूरा बोलना चाहिए कि विश्व में वर्ल्ड में चलता है, तो अपना करियर बना सकते हैं इसमें। कोच अगर कोई इंटरेस्ट लेते हैं, आम जनता जैसे खबर देखने के बाद अगर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो क्या उनको कोच कहाँ से मिलेगा? एक कोच तो ज्यादा दूर की बात नहीं है, बहुत अगर बेस्ट पूरा ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में अगर कोच है तो जैसे हमारे भाई बी राजशेखर राव, जो कि अभी उन्होंने शिविर लगाया था रेलवे कॉलोनी रेलवे जिम पे, और काफी छोटे छोटे बच्चों लोग को वेट लिफ्टिंग का ट्रेनिंग दे रहे हैं वो, और उनसे अच्छा कोच आज तक मैंने देखा नहीं, क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग के वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग के कोच भी है वो। जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये है वो वेट लिफ्टिंग के लीडर्स जिन्होंने छत्तीसगढ़ के नाम जो है छत्तीसगढ़ का पंचम फहरा के जो है आए हैं, और इस वक्त आप देख रहे हैं इनके गले में जो फूल माला जो है वो उत्साह का है, उमंग का है और बधाई का है। अभी आप देख रहे हैं सारे लोग यहाँ पर खूब मस्ती के मूड में है, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन में एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण दिख रहा है। एक बहुत ही जबरदस्त जानकारी मिला है कि वेट लिफ्टिंग में अगर कोई अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और वो जो है इस तरह के विजेता बन सकते हैं। हर खबर के लिए बने रहिए वीएलसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।